क्या है दोस्तों, नमस्कार। खाली टाइम के एक और वीडियो में आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। या तो आपके पास ऐसा हो चुका है, या होने वाला है, या अभी हो रहा है, तभी आपने ये चीज़ सर्च करी होगी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से मुंबई यानी हज़रत निज़ामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस की एक टिकट बुक कराई थी फ्राइडे की। ट्रेन का नाम था महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12908 उसका नंबर था। तो मैंने अभी बुक कराई थी और 12 सितंबर की बुक कराई थी, आप देख लेना, और लगभग एक महीने पहले मैंने बुक कराई थी। आज 15 अगस्त है, वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखो गुलामों वाला बर्ताव भी हो गया। एक महीने पहले मैसेज आया ये कि योर ट्रेन 12908 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली टू बांद्रा टर्मिनस हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू ऑपरेशनल सर्विसेज। भाई एक महीने पहले क्या ऑपरेशनल सर्विसेज हो गई, एक महीने पहले इनको क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट हो गया कि मतलब क्या होने वाला है भाई। तो मुझे भी समझ नहीं आया और मुझे क्या करता, मैं बहुत कुछ सर्च किया मैंने, तो मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज़ मिली। लोगों की कैंसिल हो जाती है, रिफ़ंड की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर IRCTC खुद रिफ़ंड कर रही है तो खुद कैंसिल कर रही है तो आपका रिफ़ंड फुल आ जाएगा, बट GST वगैरह सरकार ले गई, तो ये भी ठगी है एक तरह से। मतलब तुम 100 रुपये भी एक पैसेंजर से लोगे, ट्रेन में कितने बंदे बैठते हैं आप 100 रुपये के हिसाब से भी कितना कमा लोगे, तो कितनी गंदी बात है दोस्तों। और सिर्फ 3A कैंसिल नहीं हुई होगी, 2A भी कैंसिल हुई होगी, SL भी कैंसिल हुई होगी, यानी हर क्लास कैंसिल हुई है, तो कितना पैसा है ये, सिर्फ कितना बड़ा स्कैम है अभी से सोचा जाए। अच्छा दूसरी बात मैंने क्या नोटिस करी, जो भी ट्रेनें 2000 से ऊपर की है जैसे तेजस या राजधानी या दुरंतो, वो कैंसिल नहीं हुई, जो 2000 से नीचे वाली है वो कैंसिल हो गई। तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई इन्होंने सस्ती ट्रेन कैंसिल कर दी ताकि लोग महंगी कराएं, अब ऑपरेशनल सर्विसेज क्या हो सकती है तो समझ नहीं आ रही। तीसरी बात ये हो सकती है, 7 सितंबर से गणपति जी का वहाँ पे त्यौहार चलता है मुंबई में, और वो 10 दिन या 11 दिन चलता होगा, तो 7 से 19 या 18 तक चलता होगा, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं कि मतलब जो दिल्ली से आ रहा है कोई आ रहा है वहाँ पे मुंबई आ ना पाए, मतलब क्या लॉजिक क्या है, मुझे लॉजिक समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग तो मुंबई वाले भी यहाँ रहते होंगे या अन्य क्षेत्रों में जॉब करते होंगे, वो भी तो मुंबई आएंगे वापस, ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो हमें रोकना चाहते हो। या तो ये हो सकता है वो चाहते हैं हम महंगी टिकट बुक करें, क्योंकि गरीब रथ भी बुक नहीं हो रही, कैंसिल्ड आ रही है, और आपकी जो मैंने महाराष्ट्र संपर्क क्रांति करी वो भी कैंसिल आ रही है, 2000 से नीचे वाली सारी कैंसिल्ड आ रही है और 2000 से ऊपर वाली अभी भी अवेलेबल आ रही है। अब चौथी बात करें तो करें क्या, अगर आप खुद कैंसिल कर दोगे, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा है ट्रेन रीशेड्यूल्ड भी हो जाती है, तो अगर हमने खुद कैंसिल कर दी तो हमारी टिकट तो गई भाई, तो खुद कैंसिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ट्रेन कैंसिल रहेगी तो पैसा रिफ़ंड हो जाएगा अपने आप। दूसरी बात मैंने बात करी, पहले बात सुने आप ये कस्टमर केयर से। मैम मैंने ना एक 12 सितंबर की ट्रेन कराई थी जी। मैम उसका एक बार PNR से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पे कैंसिल का मैसेज आया उसका। ओके बताइए PNR नंबर, मैं आपको चेक करके बता देती हूँ सर। ओके मैम, 291 की जो जर्नी है जो निज़ामुद्दीन जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस के लिए 12 सितंबर की जर्नी, जी सर जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ ये ट्रेन आपकी फुली कैंसिल है। अगर आप अभी टिकट कैंसिल करके रिफंड लेना चाहते हैं तो आप अभी कैंसिल कर सकते हैं, 3 to 5 वर्किंग डे में आपका फुली रिफंड आ जाएगा। और अगर आप रिपेट करना चाहते हैं रीशेड्यूल होने का, मे बी पॉसिबल 12 सितंबर को ये ट्रेन आपकी रीशेड्यूल होती है तो आपकी कंफर्म टिकट से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर फिर भी रीशेड्यूल नहीं होती है, 12 सितंबर को ये ट्रेन आपकी कैंसिल ही रहती है और आप वेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, 3 to 5 वर्किंग डे में आपका फुली रिफंड आ जाएगा ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर। मैम ये मुझे अगर मैं कैंसिल नहीं करता तो ये रीशेड्यूल कब तक हो सकती है? श्योरिटी नहीं दे सकते, रीशेड्यूल होने की अपडेट आपके पास 11 सितंबर को आ जाती है। मतलब इतना लेट, मतलब वेट करना पड़े, उससे पहले नहीं, एक हफ्ते तक पता नहीं लग सकता मैम? नहीं सर, उससे पहले अगर रीशेड्यूल होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है मैसेज के थ्रू, बट ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि रीशेड्यूल हो गया नहीं। ओके सर। मैम क्या रीज़न है मैम इसका, मैम कैंसिल होने का, क्योंकि अभी तो बहुत दिन है हमारे। ये
हमारे पास ट्रेन की रनिंग स्टेटस की जो रिगार्डिंग जानकारी आती है, आपकी ट्रेन डाइवर्टेड होती है या फिर कोई आपकी ट्रेन फुल्ली कैंसिल होती है, तो इसकी जो रीज़न है हमारे पास आपकी जर्नी से एक दिन पहले अपडेट होती है सर, अभी हम नहीं बता पाएंगे आपको। हम क्योंकि मैम जो टिकट्स 2000 से ऊपर है वो तो अभी अवेलेबल आ रही है, बट ये 2000 से नीचे थी तो ये कैंसिल आ रही है, ऐसा क्यों? सर ये ट्रेन आपकी किसी रीज़न की वजह से फुली कैंसिल शो करती है, अभी किस रीज़न से शो हो रही है आपकी जो ट्रेन है, किस रीज़न से फुल कैंसिल की गई है, ये रीज़न आपको आपकी जर्नी से एक दिन पहले ही अपडेट करके बताई जाती है सर। चलो ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सफर करने के लिए, धन्यवाद। कस्टमर केयर कह रही है एक दिन पहले पता लगेगा, अब इसमें क्या करें भाई, एक दिन पहले क्या क्या अरेंज कर लोगे आप? यदि आपको डेट बदलनी है, तो आप ऑफकोर्स कैंसिल करके दूसरी डेट की ले लो, अगर आप कोई दूसरी अवेलेबल आ रही है, इससे महंगी वाली अवेलेबल आ रही है। अगर आपको डेट भी नहीं बदलनी, एग्जैक्ट डेट में आना है, मेरा मन था कि मैं 7 से 17 के बीच में जाऊँ और गणपति का त्यौहार भी देखूँ वहाँ पर जाके, तो मैं तो इस बीच में ही जाना चाहता था, पर इस बीच में कोई भी 2000 से नीचे वाली ट्रेन अब अवेलेबल ही नहीं आ रही है, सारी कैंसिल्ड आ रही है, तो मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं आप भी अपना सकते हैं, कैंसिल तो मैं नहीं करा रहा क्योंकि रिफंड तो आ ही जाएगा, और अगर ट्रेन रिस्टोर हो गई जैसे कि कई लोग कह रहे हैं, जो कि एक दिन पहले पता लगेगा या उससे पहले पता लगेगा तो पता नहीं, अपडेट दे दूँगा, तो मैं भाई उसी ट्रेन में चला जाऊँगा। और अगर उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, एक और टिकट करा के देख लूँगा भाई उसी दिन की या उसी आसपास डेट की, क्योंकि मैं पर्टिकुलर उसी दिन जाना चाहता हूँ क्योंकि वीकेंड भी पड़ता है और गणपति जी का त्यौहार भी होता है, तो या तो एक्स्ट्रा एक टिकट करा के रखो और उसका वेट करो, अगर वो कैंसिल होगी तो रिफंड आ जाएगा, आप दूसरी टिकट पर चले आना, और कुछ नहीं कर सकते भाई। IRCTC प्राइवेट हो या सरकारी हो, बहुत गंदा सिस्टम लगा, बहुत घटिया लगा। एक महीने पहले तो मैं ऑपरेशनल सर्विसेज याद आ गई, मुझे नहीं पता, बाकी घर वाले तो यही कहते हैं जो होता अच्छे के लिए होता है, तो भाई हम भी यही मान के अपना खाली टाइम बिता देते हैं। सबको 15 अगस्त की लाख लाख, 78वें इंडिपेंडेंस डे की लाख लाख मुबारकें, और 80 साल भी हो जाएंगे ऐसे, और 180 साल भी हो जाएंगे, देश की सर्विसेज कब सुधरेगी पता नहीं, जाएगी।